सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में लागू होगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कमेटी बना दी गई है, काम काफी आगे बढ़ गया है, ड्राफ्ट तैयार कर राज्य में लागू कर दिया जाएगा यूसीसी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की तारीख नजदीक आती दिख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में इसमें आगे बढ़ गए, कुछ ही महीनों में ड्राफ्ट बनाकर हम इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरकार की तैयारी लगभग पूरी, सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और प्रदेश में इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से प्रदेश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया था और सीएम धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के साथ लगातार इसकी चर्चा करते रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि कुछ ही महीनों में ड्राफ्ट तैयार कर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार सरकारों को कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू हुई और ये स्ट्रिक्ट केस में हम तो इसमें आगे बढ़ गए हैं। हमने वहाँ कमेटी बना दी और हमारा काम काफी आगे बढ़ गया है और कुछ ही महीनों में हम जो है पूरा अपना ड्राफ्ट बनाकर उसको लागू करने के लिए सामान। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल कर लिया था। यूसीसी लागू करने के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। उधम सिंह नगर में नगर पालिका के तमाम दावों पर उठे सवाल। बदहाली के दौरे से गुजर रहा जसपुर का शहीद पार्क, बड़ी खबर आपको बता रहे। शिकायत के बाद अवैध कब्जा जो है वो नहीं हट रहा है। बदहाली के दौर से गुजर रहा है जसपुर का शहीद पार्क, शिकायत के बाद भी अभी तक अवैध कब्जा जो है वो नहीं हटा है। उधम सिंह नगर में नगर पालिका के दावों पर सवाल उठ रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार है। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले पार्कों में अवैध कब्जा, गंदगी के ढेर से लोग खासे परेशान है। पूरा मामला जसपुर नगर पालिका के अब्दुल हमीद पार्क इन दिनों बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पार्क में आवारा पशुओं के बांधने, अवैध अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उसके बाद भी पूरे मामले से नगर पालिका बिल्कुल अनजान बना हुआ है। उधम सिंह नगर में नगर पालिका के दावों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें जो है बदहाली की तस्वीर, ये गंदगी का अंबार जो है अलग अलग जगह नजर आ रहा है। जो पार्क है उनकी दीवारें टूटी हुई हैं, कुत्ते टहल रहे हैं, गाय बंधी हुई है। तमाम दावों के बाद, नगर पालिका के तमाम दावों के बाद भी उधम सिंह नगर में ये जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिला है। इसके अंतर्गत आने वाले पार्कों की अगर बात की जाए तो वहां अवैध कब्जा देखने को मिला है, गंदगी के ढेर से लोग परेशान हैं। पूरा जो मामला आप देख रहे हैं वो जसपुर का ये पूरा मामला है जिसमें नगर पालिका अब्दुल हमीद पार्क बदहाली के दौर से गुजर रहा है और पार्क में आवारा पशुओं के बांधने, अवैध अतिक्रमण की शिकायत के बाद भी पूरे मामले में नगर पालिका अनजान है। पार्क बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और लोग उसे विचरण कर सके, बैठे कुछ वृद्ध लोग आपस में बातें कर सके, तो एक कम्युनिटी के लिए होता है। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी गंभीरता को नगर पालिका नहीं समझ रही और उस पार्क को